तो जो हमने नए फोन की बात कर रहे थे, तो वो हमारे पास नया फोन जो है वो ये है। हमने तो गैस आपने देख लिया, मेरे पास जो पुराना फोन है वो ये आपके सामने है। देखो आप ठीक से देखो, नोट 8 प्रो है, बहुत पहले 3 साल पहले लिया था, अभी तक यही चल रहा था मेरे पास। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी गाइस मेरा मकसद ये है कि इतनी रात को वीडियो बनाना, अभी जो टाइम हो गया वो 10 बजने वाले हैं, तो मेरा मकसद है कुछ वीडियो बनाने का अभी इतनी रात को। और काफ़ी देर से मैं जो है यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, तो उसी के रिलेटेड मैं कुछ एक बात बताना चाहता हूँ अपने छोटी सी यूट्यूब फैमिली को। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं, वो भी मैं बता दूंगा क्या प्रॉब्लम्स चल रही है काफ़ी देर से। और बाकी जो मेरा कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा लोग जो है मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, प्लीज़ मैं उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें, चैनल पे बने रहे। हम आपको बहुत ही जल्दी जल्दी अच्छे से व्लॉग्स आपको दिखाएंगे। और मेन प्रॉब्लम जो मेरी कुछ प्रॉब्लम है जिससे मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ काफ़ी दिनों से, 2 वीक से मेरी कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं आई। उसका कोई रीज़न था जो मैं यूट्यूब पे नहीं कोई भी वीडियो डाल सका, तो उसके लिए मैं सब अपनी यूट्यूब फैमिली से पूरी माफ़ी लेता हूँ कि प्लीज़ अनसब्सक्राइब करके ना जाए यूट्यूब चैनल को। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो उसकी वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ। और एक बात और, हमें नई जो है जो हमने एक नया फ़ोन जो है अभी मंगाया थोड़ी देर पहले, तो मैं आपको उस फ़ोन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताता हूँ मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। और हमने जब उसको परचेज़ किया था, मेरा पहले वाला फ़ोन जो आपको पता ही नोट 8 प्रो था वो हमें टूट गया था, तो अचानक से फिर मेरे को नया फ़ोन परचेज़ करना पड़ा। तो 1-2 दिन में ये भी फ़ोन आ गया, 2-3 दिन तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, फ़ोन के बगैर तो रहा नहीं जाता। तो हम फ़ोन आपको पहले दिखाएंगे। तो गैस आपने देख लिया, मेरे पास जो पुराना फ़ोन है वो ये आपके सामने है। देखो आप ठीक से देखो, नोट 8 प्रो है, बहुत पहले 3 साल पहले लिया था, अभी तक यही चल रहा था मेरे पास। तो अभी जो इसका जो है डिस्प्ले टूटी थी, इसका कॉम्बो पड़ गया, तो अभी मैंने कॉम्बो कॉम्बो जो है डाल के लाया, अभी चार्जिंग पे नहीं लगाया। इसमें क्या प्रॉब्लम, अभी चल रहा है ठीक, बट इसमें मेरे को खर्चा लगभग 3500 तक आ गया जो कॉम्बो लगाया डिस्प्ले का। तो ये हमने जो है बनवा के लाया, आज ही पहुंचा मेरे पास। तो अभी जो हमने न्यू फ़ोन लिया वो उसके बारे में मैं बताता हूँ, न्यू फ़ोन कौन सा की बात कर रहे थे। तो वो हमारे पास नया फ़ोन जो है वो ये है, हमने अनबॉक्स 2-3 दिन पहले किया था, उसकी वीडियो हमने बनाई नहीं है। तो अभी जो उसी फ़ोन से शूट कर रहा है, कामरान भाई शूट कर रहे हैं ये वीडियो, तो हमने जो अनबॉक्स पहले किया था। बाकी इसका डिब्बा वगैरह मैं दिखा लेता हूँ, कौन सा फ़ोन है कितने का आया था वो भी बता देता हूँ। फाइनली गाइज, ये जो फ़ोन है ये सैमसंग का है, गलेक्सी S21 5G। तो ये 8128, ज़्यादा तो इसके बारे में मेरे को नॉलेज इतना नहीं है, बाकी देखते हैं हम इसको चला के कैसा है। बाकी जो इसका अडाप्टर, ये इसके साथ में नहीं मिला है अडाप्टर, मेरे को अलग से जो परचेज़ करना पड़ा, 25 वोल्ट का अडाप्टर है, ये सैमसंग का है। तो ये भी मेरे को लगभग मैक्सिमम 1700 इस पर MRP है, बट डिस्काउंट करके मेरे को 1600 का खाली अडाप्टर पड़ा। और उसके बाद फ़ोन की बात करते हैं, छोड़ो अडाप्टर, बाकी फ़ोन की बात करते हैं। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे फ्यूचर्स है इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छे फ्यूचर्स है, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया। बट मैं इतने प्राइस में एक आईफोन 12 प्रो भी ले सकता और 13 भी ले सकता, 13 प्रो नहीं ले सकता। जिस प्राइस में मैंने ये फ़ोन लिया उतनी प्राइस में मैं एक आईफोन 13 ले सकता था या आईफोन 12 प्रो भी ले सकता था, इतनी प्राइस में जितना मैंने ये S Galaxy 21 लिया है FE 5G। तो ये फ़ोन जो है मेरे को लगभग 75,000 का मिल रहा था, ये वाला फ़ोन Galaxy S21 FE 5G, बट मेरे को इसमें 10,000 जो डिस्काउंट मिला है, तो उसकी वजह से मैंने 10,000 की वजह से मैंने डिस्काउंट करके लिया ये फ़ोन, लगभग 57,000 का ले लिया है। तो अभी जो है मैंने मम्मी पापा भाई सबको पता नहीं फ़ोन कहाँ लिया है इसने, बाकी वीडियो तो देख लेंगे, फंस गया आज तो कोई बात नहीं, देखने दे दो वीडियो, इनको भी पता चल जाए। तो
तो ये फ़ोन मैंने किस लिए लिया यार, इतना महंगा फ़ोन, इतने मैंने सोचा यार मेरे को कैमरा चाहिए, मैं व्लॉगिंग करूँगा मुझे अच्छा, तो इसलिए मैंने ये फ़ोन लिया। तो प्लीज़ भाई लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ पूरी वॉच करो, बहुत मज़ा क्या आने वाला, बहुत सीरियसली मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए शूट करो। काफ़ी देर से मेरा व्लॉग नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया उसके बारे में भी। बाकी ये फ़ोन मेरे को 57,000 का मिला है, तो बैटरी बैकअप इसका ज़्यादा नहीं है, बट चार्ज फास्ट चार्जर है, तो कैमरा वगैरह क्वालिटीज़ बहुत अच्छी और फुल वाटर प्रूफ है। और मैंने इसको पानी में भी डाल के रखा 10 से 15 मिनट के अंदर इस फ़ोन को पूरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस फ़ोन को। तो अब हम बताते हैं मैंने ये फ़ोन क्यों लिया, इतना मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये सब मैं बता दूँगा आपको। तो इसका मकसद ये है कि भाई मेरे को जो है ना, मेरा चैनल जो है ना, लगभग 8 से 9 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो इसमें बहुत सारे भाई लोग जो है ना अनसब्सक्राइब करके चला जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बात भी सही यार, क्योंकि अगर उनको कुछ मिल नहीं रहा है मेरे चैनल से तो किस लिए सब्सक्राइब करेंगे, वो सही बात है आप लोगों की। बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊँ, क्योंकि मैंने फ़ोन लिया उसी के लिए यार, इतना महंगा फ़ोन, मेरी औकात नहीं इतनी मैं इतना महंगा फ़ोन ले सकता हूँ, बट मैंने उसी के लिए लिया। बाकी जो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी वो मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर कामरान भाई से बताएंगे, थोड़ा सा नीचे दिखाई, इधर है क्या भाई, ये है नीचे, ये भी दिखाएंगे एक बार, दिखा कैमरा इधर। तो ये कुछ ऐसी दवाई हैं जो मेरे को कहीं बहुत ज़्यादा पहले, लगभग 15 से 16 साल का था, मेरे को चोट लगी थी इस वाली लाइन में, बॉल लगी थी, क्या लगी थी कुछ पता नहीं, मेरे को तो याद नहीं है। बट अब इसके बारे में बहुत जगह गया, कश्मीर से नगर वगैरह, ये तो जम्मू पूरा घूम के आ गया, बट मेरे को इसमें ज़्यादा ही दर्द लगी होने। तो उसके बाद मैं पिछले 10-20 दिन से मैं अमृतसर में गया एक डॉक्टर के पास, तो उनने जो मेरे को वहाँ पे मेडिसिन अच्छी अच्छी दी है, पिछले हफ्ते भी मैंने लाई उनसे मेडिसिन, बट मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो मैं वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा, और मेरे को डॉक्टर ने जो है बेड रेस्ट दिया था 20 डेज़ के लिए, तो इसलिए मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलता। तब भी मैं कोशिश करता था मैं व्लॉग लाऊं, तो पिछला व्लॉग जो है मैंने डाला था 2 वीक्स पहले, तब मैं मेरे को डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी 2 डेज़ के लिए, तो बेड रेस्ट दिया था, बट मैंने कोशिश की मैं एक व्लॉग डाल दूँ यार, बहुत सारी पब्लिक परेशान हो जाती, यूट्यूब छोटी सी फैमिली परेशान हो जाएगी। तो उसके बाद हम कल फिर से गए, मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, बट मैंने मेडिसिन लाई, मेडिसिन इतनी दी है ना कोई कहने की बात, और खा खा के ना मैं बोर हो गया, बट मेरे को ये लग रहा है कि मैं रिकवर हो रहा हूँ, ठीक हो रही है जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, और धीरे धीरे ठीक होने के बाद हम जो है बहुत ही अच्छे व्लॉग्स लाने वाले आपको। बाकी आपको थोड़ा दवाई दिखाएंगे, कितनी दवाई भाई साहब, ये देखो कौन खाएगा इसको बताओ, मर जाऊँगा मैं इतनी दवाई खा खा के, ये देखो वैसे कसम से दिखाने के लायक नहीं है, देखो कसम से बहुत ज़्यादा, देखो ये भर के, और ये बोतल कौन पिएगा, सब बकवास है ऐसे। बट ठीक हो जाऊँ मैं जल्दी जल्दी आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊँगा। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट दिखाओ भाई साहब, और मैं मेरी प्रॉब्लम है जल्दी से ठीक होनी चाहिए, दुआ करो। तो उसके बाद मेरा एक जो मकसद है, तो मैं अभी ज़्यादा दूर घूम भी नहीं सकता हूँ, तो भाई अगर जल्दी, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना वो क्या करते हैं 100K पे वो अपनी कुछ भी अच्छी चीज़ दिखाते हैं। बाकी मैंने एक प्रॉमिस रखा है, अगर आप जल्दी से मेरे 1K करवाते हैं ना, तो मैं एक जल्दी से आपके पास एक बाइक दिखाऊंगा, बहुत ही जल्दी, जो मोटो व्लॉगिंग करेंगे हम स्टार्ट, और हम कुछ ही दिनों में जल्दी से जल्दी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे कुछ दिन के लिए, जिससे मेरे को खुद चल के ना जाना पड़े, क्योंकि बाइक से मैं कर दूंगा आगे पीछे मैनेज, मैं जल्दी से मोटो व्लॉगिंग करूँगा जल्दी से। तो बाकी आप व्लॉग में बने रहे हमारे से, और तो प्लीज़ चैनल को ना भूलें, मुझी व्लॉग्स प्लीज़ सपोर्ट करो, और सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद जब हम व्लॉग डालेंगे, तब तक ले बाय बाय।